अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम। इंदौर के रानीपुरा में व्यापारियों पर दिन दहाड़े तलवार से जानलेवा हमला करके फरार पार्षद परिवार अब पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। जबकि घटना के समय थाना सेंट्रल कोतवाली का पुलिस बल और सभी आरोपी मौके पर ही मौजूद थे, उसके बाद भी पुलिस अपराधियों को हिरासत में नहीं ले पाई और अभी अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस हादसे के कुछ समय पहले इंदौर SSP रुचिवर्धन मिश्र को शहरवासियों द्वारा लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया था कि मनोज सिंधवे व उसके सभी भाई आदतन अपराधी हैं और यहां आए दिन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। साथ ही मनोज सिंधवे और रोहित सिंधवे सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर चंदा वसूली करते हैं और जब व्यापारी चंदे की कीमत नहीं दे पाते हैं तो वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन द्वारा रोहित सिंधवे मनोज सिंधवे का बॉन्ड भरवाया गया जिसका आपराधिक खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आए। पुलिस द्वारा इन अपराधियों को शांति भंग के भी नोटिस टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं, उसके बाद भी अपराधी दिन दहाड़े इस बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे गए, ऐसे में अपराधियों के हौसले और बुलंद होना आम बात है।